हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग का समय और मैं हो गई हूँ अभी रेडी। और कहाँ जा रही हूँ वो आपको अभी थोड़ी देर में बताऊँगी। और मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि कुछ टाइम से टाइम ही नहीं मिल पा रहा था ब्लॉग करने का या आप सभी से बात करने का। और कुछ टाइम से मेरे ब्लॉग भी रेगुलर हो गए हैं, लेकिन बहुत जल्दी रेगुलर हो जाएंगे। सो एक्चुअली मैं कल भी मैं मार्केट गई थी, लेकिन जिस काम से गए थे मेन वो काम हुआ ही नहीं, तो उसी के लिए मैं अभी फिर से जा रही हूँ। और तक्ष को बहुत गुस्सा आ रहा है, वो रो रहा है कि मम्मी रेडी हो गई, मुझे रेडी नहीं किया है, तो चिड़चिड़ा रहा है। तो वही है, और आपको तक्ष की शैतानी जो मैंने शेयर की आपको बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। ऐसे ही बस आप अपना प्यार देते रहिएगा, और जैसे भी मैं अपने ब्लॉग आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी। बहुत सारी बातें हैं जो आप सभी के साथ शेयर करनी है, जो आपसे करनी है, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। सो करेंगे बहुत जल्दी। तो चलिए मिलती हूँ आप सभी थोड़ी देर में। सो फाइनली मैं निकल रही हूँ जाने के लिए, जहाँ भी मुझे जाना है। और क्या कहते हैं, निकलते वक्त तक्ष बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो मेरा मन नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन जाना ज़रूरी था। तो मतलब अभी ना थोड़ा थोड़ा मैं उसको छोड़कर निकलती हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ना हो आगे जाकर, हमको आगे जो मैं डिसीज़न लेने वाली हूँ उसमें। तो मैं आई हूँ यहाँ पर लैब में अपनी जो टेस्ट कराना है उसके लिए। तो मैं यहाँ पर आकर बैठ गई थी। पहले तो जब वो लोग ब्लड निकालते थे तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था, लेकिन अब जब वो निकालते हैं तो उतना दर्द नहीं होता। तो मतलब टाइम के साथ कितना कुछ बदल जाता है ना। बिहान के टाइम में मैं इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डरती होती थी, बट अब मैं उतना नहीं डरती हूँ। तक्ष के टाइम में मैं हैबिचुअल कह सकते हो आप, मैं हो गई हूँ, उतना नहीं डरती हूँ। और अकेले भी टेस्ट कराने आ जाती हूँ, तो बस हम लोग टेस्ट कराना था, उसके बाद में मुझे जाना है बैंक। बैंक में भी मुझे बहुत टाइम लग गया था, मैं सोच रही थी कि मैं जल्दी जल्दी निकल जाऊं, पर बैंक में भी मतलब मतलब क्लोजिंग वगैरह का टाइम रहता है ना, तो उस टाइम में कुछ ज़्यादा ही मतलब काम रहता है, तो इस वजह से ही मैं यहाँ पर बैठ कर वेट कर रही थी। तो मुझे लग रहा था कि यार जल्दी से मेरा काम करा दो, उसके बाद मुझे घर जाना है, मेरा बच्चा रो रहा है। तो मतलब घर पर मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन तक्ष को इन्होंने चुप करा लिया था। तो यहाँ पर मैं बस काम, बैंक का जो भी काम था वो किया, और अब मैं निकल रही हूँ अपने घर के लिए। सो कि मुझे लग रहा था कि मैं जल्दी से घर पहुँचूँ और अपने बच्चे के साथ बैठूं, क्योंकि आदत नहीं है, ना मुझे है ना छोटे को है, तो बहुत ख़राब लग रहा था। लेकिन अभी इधर में कई बार, और यहाँ का व्यू देख लीजिए आप, कितना सुंदर लग रहा है ना। सो मैं गई थी तो छोटा रो रहा था, अभी देखती हूँ क्या कर रहा है, मेरे को टाइम लग गया बहुत। एक्चुअल में क्या हुआ, मैं बैंक में गई थी, तो बैंक में भी थोड़ा भीड़ थी, इस वजह से टाइम लग गया। और अब जाती हूँ, देखती हूँ क्या कर रहा है। मैं आपको फीलिंग नहीं बता सकती, वो रो रहा था ना, मुझ पर जाया नहीं जा रहा था, मेरा मन नहीं कर रहा था जाने का। सो चलो चलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। और मैंने यहाँ पे मंगाई थी अपने लिए वेट मशीन, क्योंकि जब आप वेट लॉस जर्नी पर होते हो या
मतलब उसके प्रोसेस में चल रहे होते हो, तो आपको वेट मशीन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक उसमें मैं बोलते हैं कि आप अपना मेज़रमेंट कीजिए डेली। सो मैंने यहाँ पे ये वेट लॉस मशीन मंगाई थी, बट ये मुझे बहुत हल्की लग रही थी। क्योंकि इसके पे जो ये ऊपर है ना, वो ग्लास है, मैंने सोचा था सॉलिड होगी, मतलब वैसे प्लास्टिक में वैसे जो आती है ना फाइबर वाली, वो ऐसे ही निकलेगी, लेकिन ये तो मतलब कांच का निकला, तो मुझे इस पे ना खड़े होते हुए बहुत डर लग रहा था। तो छोटे यहाँ पे आके खड़ा हो गया है, उसको बड़ी एक्साइटमेंट थी कि हाँ मैं इससे खेलूँ। और अब मैं फिर से रेडी हो गई हूँ, ये इवनिंग का समय है नेक्स्ट डे में, और मैंने यहाँ पे नेल पेंट लगाया था वो दिखा रही थी। और अगेन मुझे मार्केट जाना है, तो मतलब क्यों जाना है वो भी मैं भी आपको बताती हूँ। हाँ, मुझे एक्चुअल मैं निकल चुकी हूँ अब घर से, तो तक्ष फिर भी रो रहा था, तो ये बोले कि मैं इसको राउंड लगवा दूँगा बाइक से, फिर रोएगा नहीं। तो ये भी उसको राउंड लगवाने चले गए थे। और अच्छा, डॉक्टर वगैरह करने के यहाँ जाना हो ना, तो बच्चों को ले जाने में बहुत रिस्क लगता है। जब से ये करोना आया है तब से तो बहुत ही ज़्यादा, तो मैं यहाँ पर जा रही हूँ अपना स्कैन कराने। और मुझे इतना गुस्सा आया ना, स्कैन कराने गई थी वह उस जगह पर, मैं मतलब फुल होकर गई थी, मतलब खूब सारा पानी पीकर गई थी। और मैंने मतलब लंच भी नहीं किया था इस वजह से कि मतलब कोई प्रॉब्लम ना आए। और पता है मन भी करता है खाने पीने का ज़्यादा, क्योंकि दर्द ऑल टाइम बना ही रहता है, तो मन नहीं होता खाए पीओ, लेकिन खाना पीना थोड़ा थोड़ा पड़ता ही, क्योंकि खाने के पहले मेडिसिन होती है या खाने के बाद मेडिसिन होती है, उस हिसाब से खाना खाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैं मतलब अपने लिए ना, यहाँ पर मैंने एक रील बनाई थी, तो वो मैंने यहाँ मतलब इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं मैंने किस गाने के लिए बनाई थी। यहाँ पर मैं ना क्या कहते हैं, दिमाग में मेरे यही चल रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, और मतलब स्कैन में क्या निकलेगा। लेकिन जो वहाँ पर मैं जहाँ पर मैं स्कैन कराने जाती हूँ, वहाँ पर जो डॉक्टर थी वो गई थी चेंज, तो वो कोई और लौटी आ गई थी। तो उन डॉक्टर पर मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना, मैं आप सभी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एक तो आप स्कैन कराना कोई यूँ तो है नहीं, 1,000 रुपये एक बार के स्कैन के लग जाते हैं, तो वो लोग बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं थे। और वो बोल रहे थे कि आप ये करा कर आए हो, आप वो करके आए हो, इसलिए आपका स्कैन अच्छे से नहीं हो रहा है, आपको कल दोबारा आना पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैम आप, बोलती है कि आप खाना खा कर आए हो, उनका मैम मैं खाना खा कर आई ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये सब जानकारी है, क्योंकि रेगुलर मैं स्कैन कराती रहती हूँ और 5-6 महीने में, तो थोड़ा बहुत पता है जैसे डॉक्टर ने बोला है, तो मुझसे ही वो पिछले रिपोर्ट्स के लिए पूछे जा रहे थे कि आपको क्या है क्या नहीं है। और मतलब स्टोन उसने मतलब गलत रिपोर्ट बना कर दी है, मैं ये इन्ना इन्ना काम कर रहा है मेरा बच्चा, घर पर आ गई हूँ तो तक ए छोटा बहुत खुश हो गया था, इन्ना इन्ना तो काम वो करता भी है आया था ऊपर से, क्या कहते हैं, मैं आ गई थी तो वो खुश हो गया था। और यहाँ एली 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 पर क्यूट लग रहा है मेरा बच्चा, वही है देखो कितना, मतलब मेरी लाडो रानी, उसको मेरे इतना बिना बली एक पल पानी लग नहीं रही है। अच्छा लगता है। तो वही मेरे को हेलो, टेंशन है सबसे बड़ी, कि मतलब कैसे हम लोग मैनेज करेंगे जब मैं ओले ओले अपना ओले, मतलब या सर्जरी कराऊंगी या जो भी छोटे कराऊंगी, मेरे तो उस टाइम में बच्चे कहाँ चल रही है? अच्छा बमाशी मम्मी चल रही है, वीडियो देख ली, वीडियो तो मैं गई थी स्कैन कराने, जिसकी आपने देखा, स्कैन करा के मैं आ गई हूँ वापस, और रिपोर्ट्स में जो भी है जो हम डॉक्टर को दिखाएंगे तब पता चलेगा।
क्या है क्या नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत दिमाग अभी उलझन में है तो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और जो उस दिन टेस्ट कराने गई थी मैं, तो उस दिन का भी मैंने मतलब रिपोर्ट्स आ गई हैं, उसमें भी कुछ झोलमाल है। तो जब डॉक्टर देखेंगे वही एक्सप्लेन करेंगे। मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा, बस एक चीज़ समझ में आ रही थी कि थायराइड थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो TSH जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, और दो तीन चीज़ें हैं जो मतलब जिसमें प्रॉब्लम लग रही है, और स्किन में भी एक मेजर प्रॉब्लम लग रही है। तो वो देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं। सो वही है। सो चलिए, मिलती हूँ आपसे भी थोड़ी देर में। और मैं इधर मैं कुछ भी ब्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि दिन कहाँ शुरू होता है कहाँ ख़त्म होता है मुझे पता ही नहीं चलता है। मेडिसिन खा रही हूँ तो उसकी वजह से नींद बहुत आती है। सो और थोड़ा सा मतलब डाइट वगैरह भी करने की कोशिश कर रही हूँ, अभी भी मैं कोशिश कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा प्रॉपर वाली डाइटिंग नहीं हो पा रही है मुझसे। मैं कुछ ना कुछ ऐसा खा ही लेती हूँ जिसमें मतलब डाइट वाला चीज़ नहीं रहता है, बट कोशिश करती हूँ कम खाऊं और डाइट वाली चीज़ें खाऊं। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे भी थोड़ी देर में। अभी सही आया फेस। हेलो फ्रेंड्स, तो आज है नेक्स्ट डे और मैं मतलब कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी कुछ दिनों से, जैसे कि आप सभी को पता ही है, क्योंकि टेस्ट वगैरह कराने जाना है, इधर उधर डॉक्टर वगैरह के यहाँ जाना, ऊपर से थोड़ा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और मैं मेडिसिन वगैरह ले रही हूँ, तो उसकी वजह से मुझे नींद बहुत आती है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा काम भी नहीं कर पा रही हूँ। तो वही सब चल रहा है लाइफ में, और तो इसी वजह से मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही हूँ। और ये जो पार्सल है ये मुझे अभी बेबी हग की तरफ से रिसीव हुआ है, तो अपने आप को बहुत ब्लेस फील करती हूँ। उन्होंने दोबारा मेरे साथ कोलेब्रेशन किया है, तो बहुत अच्छा भी लगता है और बहुत ख़राब भी लगता है कि मैं रेगुलर ब्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ, मैं रेगुलर नहीं रह पा रही हूँ। सो क्या कर सकती हूँ, लेकिन जब कभी कभी ऐसा भी फील होता है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में चलती रहती है मेरे, और इसमें एक चीज़ ये भी लगती है कि काश मैंने शादी ही ना की होती, काश मैंने अगर शादी नहीं की होती तो मेरा पूरा मतलब परिवार भी होता और क्या कहते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। सो एक्चुअल में क्या है, मेरे हस्बैंड की जो कुंडली है उसमें उनके जो पंडित हैं उन्होंने बोला हुआ था कि जिस दिन मतलब जो तुम्हारी वाइफ जो होगी वो मतलब थोड़ा शरीर से परेशान रहेगी, तबीयत वगैरह उसकी ख़राब रहा करेगी। तो मजाक में कह रही थी इनको, तो काश मैंने तुमसे शादी ना की होती, सो मुझे ये प्रॉब्लम्स भी नहीं होती। तो ये बात तो फैक्ट है, जब से मेरी शादी मतलब तय हुई थी तभी मुझे पता चला था। फर्स्ट टाइम मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई थी, मैं चक्कर खा के गिर जाती थी, मुझे क्या कहते हैं वॉमिटिंग बहुत होती थी, मुझे क्या कहते हैं खून मेरा जो 12 होना चाहिए हीमोग्लोबिन वो मेरा 4 रह गया था उस टाइम में, मुझे थायराइड की प्रॉब्लम हो गई थी। और तब से आज दिन तक कुछ ना कुछ ऐसा मेरे साथ लगा ही रहता है, तो मे भी शायद सही हो, लेकिन मे भी शायद मेरी किस्मत में ही ये लिखा हो कि तबीयत थोड़ा ऐसी रहेगी। और मैंने वो तो सब कुछ लिखा जोखा होता है भगवान का, जो भी है हमारे पिछले जन्म के कर्म और जो भी चीज़ें हैं वो उस हिसाब से ही होती हैं। आई थिंक मैं अपनी बात को एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि मतलब जब मैंने सायरा आंटी वाला जो टॉपिक छेड़ा था, जो बात मैंने कही थी उनकी, तो उस पर कई मतलब एक फ्रेंड ने आकर कमेंट किया था कि आपने क्या ठेका ले रखा है सुधारने का ये वो करके। तो मैं कहना चाहूँ, मैंने उनको वहाँ पर भी जवाब दिया कि मैं अगर कुछ चीज़ गलत देखूँगी मैं आवाज़ उठाऊँगी, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं आवाज़ उठा सकती हूँ तो मैं डेफिनेटली उठाऊँगी। अगर मैं अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ कोई भगवान का अपमान कर रहा है या कोई भगवान के लिए कुछ बोल रहा है, तो ऑफकोर्स मैं बोलूँगी, चाहे वो पब्लिक प्लेस में हो चाहे वो कुछ भी हो। सो आप आपके फैमिली मेम्बर आप जिन्होंने मुझे कमेंट किया है, आप मुझे प्रियंका शुक्ला नाम है उनका,
तो आप मुझे ये बात बताइएगा कि अगर आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके लव वंस, आपके डियर वंस का कोई अगर गलत बोलेगा, कोई बुराई कर रहा होगा, कोई आपको या फिर आपके किसी भगवान मतलब पेरेंट्स के बारे में कोई ऐसा बोलेगा या आपके बच्चों के बारे में ऐसा बोलेगा, तो क्या आप सुन पाओगे? तो भगवान तो सबके ही आइडल है, सबके ही माता पिता है और कर्ता धर्ता वही है। तो उनके लिए कोई कुछ बोलेगा तो क्यों नहीं हम आवाज़ उठाएं? हम किसी के रिलीजन का इंसल्ट नहीं करते, तो किसी को भी कोई हक नहीं है कि हमारे रिलीजन का कोई मतलब गलत बोले। और एक जो मतलब उनकी आईडी से वो लग रहा था कि मुसलमान है, उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया मेरी बात को और उन्होंने मुझे सॉरी बोला। तो मतलब ये कितनी बड़ी बात है ना कि मतलब जिस बंदी ने गलत बोला उसने तो कुछ नहीं कहा, इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि इग्नोर इसलिए कर दिया क्योंकि मतलब हमारा कोई वॉइस नहीं है, हम बहुत छोटी अभी सब्सक्राइबर काउंट लेकर बैठे हैं, वो बहुत ज़्यादा, तो उस चीज़ को वो इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि कई लोगों की सोच ही ऐसी होती है ना कि हमें क्या करना, उसने बोला है ना, पर क्यों नहीं बोलना, क्यों आवाज़ नहीं उठानी? तो मैं वो वाली सोच रखती हूँ, ना मैं बोलती हूँ किसी के लिए गलत, ना मैं किसी अगर मेरा मन करेगा मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊँगी, मुझे जो गलत लगेगा मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊँगी, क्योंकि मुझे कोई नहीं रोक सकता। आई होप आप मेरी बात से अग्री करते होंगे। आप लोग उस वीडियो में जाकर कमेंट भी पढ़ना, उन्होंने किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।